बीजेपी की घाट के नाल परेशान किसानों के हक के विच श्रोमणी अकाली दल एक बार फिर तो नितरिया। बठिंडा दे विच अज श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई दे हेठां धरना लगाया गया। कुछ तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं इस दौरान चेतावनी देंदे होया कहा कि जे एक हफ्ते के अंदर डीएपी की घाट ना पूरी की गई तो चन्नी सरकार का घिराओ करांगे। मुख्यमंत्री चन्नी के घिराओ की चेतावनी दी गई है श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने। तुहानूं दस दईए कि डीसी की रिहायश के बाहर श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों किसानों के हक दे विच धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की मुश्किल हल ना की गई तो फिर तो धरना प्रदर्शन दिता जाएगा, कहना रहा श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल का। अज मैं चेतावनी देना चाहना पंजाब के मुख्यमंत्री नूं, जे हफ्ते के अंदर अंदर डीएपी ना पहुंची श्रोमणी अकाली दल बीएसपी दा घर नूं घर तो बाहर निकल देवांगे। घर तो बाहर अज साडा कल्ला प्रोटेस्ट, उहदे बाद चन्नी साहब तैयार हो जाओ, फिर मुख्यमंत्री तुसीं अपने घर दे ही रह जाओगे, बाहर निकल दिंदे तुहानूं। किसान लाइना च खड़े है, ब्लैक ते डीएपी मिल रही है, नाल जिहड़े वेचण वाले है कहिंदे आ जिंक चक्को, पोटैश चक्को, आ चक्को फिर तुहानूं डीएपी देवांगे। साहब प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी कितने शॉर्टेज नहीं हुई। क्यों? वह तीन चार महीने पहले ही इंतजाम कर लेंदे सी, उन्होंने पता सी किदों कणक बीजनी है, किदों झोना बीजना, किदों किहड़ा कट्टिया जाना, किते किते लोड़ है। जिन्हों फसलां मंडियां आउण तों पहले डेढ़ डेढ़ महीना पहले दो दो महीने पहले सारे इंतजाम होंदे सी, क्योंकि वह मुख्यमंत्री थोड़े विचों निकले सी, चौबी घंटे के मुख्यमंत्री सी। इत्थे कोई परवाह ही नहीं है, ना चन्नी नूं फिक्र है, ना इन्हां दे किसे नूं फिक्र है, कल्ला इक्को ही निशाना है। आ डेढ़ महीना रह गया, पैसे गाहक लियाओ ते पैसे दियो, दसो किस चीज वास्ते। विजिलेंस डिपार्टमेंट नूं कहदा इन्ने इकट्ठे करने हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट नूं कहदा इन्ने इकट्ठे करने हैं। तुसीं हैरान रह जाओगे, मुख्यमंत्री ने उहदे बेटा भरा जवाई उन्होंने दुकाना खोलनी है, जिवें आपां सेवा केंद्र खोले सी ना पिंड पिंड, इन्होंने व्यापार केंद्र खोले, जिहड़ा मर्जी गाहक लिया, कोई मर्जी काम करो पर नगद सारा कुछ। तुसी हैरान रह जाओगे, वह इन्ना चुस्त मुख्यमंत्री है, ड्रामे ने करता है। दो महकमे का तुम उदाहरण दिना, एक्साइज एंड टैक्सेशन मंत्री एक होंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज का मतलब शराब जितों पैसा आता है, टैक्स का मतलब जोड़ा जीएसटी के वैट, उन्हें टैक्स वाला तो देता मनप्रीत, जितों नोट आने से एक्साइज उठे सारा जाली शराब से ठेकेदार तो महीने का लेना, वो आने आप तोड़ के पहली बार है जो तो पंजाब बने तोड़ के अपने नाल रख लिया सीधा गाहक मेरे को। दूजी वड्डी गल, एक महकमा इंडस्ट्री का है, आ जिहड़ी माइनिंग है वह इंडस्ट्री के महकमे के विच हुंदी है, जो बने उन्हें माइनिंग लग करके अपने को रख ली तो इंडस्ट्री दे दी उधर। यह कुछ सरकार है रोज लड़ी जाते, जिहड़े घर च लड़ाई हो ना बरकत नहीं आती उस घर नूं, लड़ाई तो लड़ाई तो लोग तबाह हो जाते। मुख्यमंत्री होए आए किसी को जाए किसी को, कल्ले चमकौर साहब हल्के च उत्थे रहिंदा उत्थे ही करी जांदा, मुख्यमंत्री चमकौर का बन गया, होर किते दा नहीं है। तो ऐलान रोज 5,000 करोड़ यदा माफ कर दौ, 10,000 करोड़ यदा करो, 20,000 कर दौ इधर, जिमें पहले गुड़का साहब कैप्टन ने तो गुड़का साहब करके झूठ बोलिया,
ऐलान करके कि 3 रुपये सस्ती पर 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक पढ़ता नहीं, उसे 3 रुपये देख दे अखबार, 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये जो 31 मार्च में जो आ जाएगा, उन्होंने पता है सरकार जेडी उदों तक लोग वोट पा देंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। केना इन्हां दी सोच है केना लोगों तो वोटा ले लिए। 5 साल बीत गए, 5 साल एक लगी हुई थोड़े पिंड, इट लगी, एक कस्सी लगी हुई बनी हुए, एक ट्यूबवैल का कनेक्शन दिता हो इन्होंने, एक कोई पक्का खाला किया, कोई कोई अंडरग्राउंड पाइप लाई हुई, कोई स्कूल बनाया हो मेरे नाम। 5 साल आई मुख्यमंत्री ने मैं सवाल पूछा सी, उदो पैच वर्क क्या सी, असीं कीते आ एक्टी, तो वह भी जवाब पैच वर्क का भी जवाब मिले सर।